सबके सब शूटिंग अच्छी, स्टेबिलिटी बहुत भारी आती है इससे, आप देखेंगे। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया हूँ आपको, जब इसका आप यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप का नाम है गिम्बल प्रो। गिम्बल प्रो जब आप डाउनलोड करेंगे उस टाइम आपको जो इसके अंदर मोबाइल के अंदर जो ब्लूटूथ है वो चालू करने का, और फिर इसके ऊपर पूरा हैंग हो जाएगा, पूरी शूटिंग अच्छी तरह से आएंगी। तो गिम्बल प्रो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वैसे भी आप हैंड से भी कर सकते हो लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी आएंगी। दोस्तों हम आज बात करेंगे, ये मैंने लाया हुआ है गिम्बल नया, इस गिम्बल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या फंक्शन है और क्या कर सकता है। मैंने आपको पहले अनबॉक्सिंग किया था, देखो ये गिम्बल है, गन के जैसा दिखता है, और ये जो है तो इसके अंदर ये ट्राईपॉड, इस ट्राईपॉड को अपन यहाँ से बिठा देंगे क्योंकि इसकी साइज़ जो है पकड़ने की बहुत छोटी है, इसीलिए इसको ट्राईपॉड है, ये टेबल में ऐसा लगा सकते हैं ऐसा, और फिर आप शूट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, आज बताने वाला हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करने का। एक नॉब है इसका, ये नॉब खोलने का थोड़ा, और खोलने के बाद फिर इसको ऐसा मोड़ भी लेने का है। लेने के बाद इसको दिखेंगे आपको तीन बटन, एक दो तीन, ये जूम वाला, ये कम जूम करने का, इसका चार्जर है, और फिर अभी देखो मैं इसको, जैसे आप ये बटन 30 सेकंड तक स्टार्ट हो गया, अब जैसे देख सकते हैं आप कैसा है, देखो इधर कर रहा है, उसके बाद पूरा राउंड मारता, ये साइड में कर दिया तो ये भी साइड में, ये बटन मेरे साइड में तो ऊपर होता नीचे होता, पूरा सर्कल भी मार सकता है इस तरह से। अगर सेल्फी स्टिक ली तो सेल्फी स्टिक वाइब्रेट होती है और वीडियो शूट अच्छी तरह से नहीं होता, इसलिए गिम्बल का इस्तेमाल करते। इलेक्ट्रॉनिक है पूरा, इसका चार्जिंग करने के बाद इसमें जो चार्जिंग है वो चार्जिंग आप मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो ये गिम्बल जो है आइस्टिक नाम का जो है ये कंपनी देखो, अभी ये राउंड मारेगा पूरा का पूरा, इधर कर दिया तो इस साइड में, इस साइड करते तो इस साइड में होता, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, ये जो बटन है ये बटन जैसे मैं प्रेस करूँगा इस तरह से ये पूरा राउंड मारेगा, और इधर भी कर दिया तो इस तरह से होता है ये। अब मैं साइड में दिखाऊँगा कि जैसे ही मैं इसमें कैमरा रखूँगा तो मैं कुछ शूट करके आप देख सकते हैं कि जब स्टिक से जब वीडियो शूट करते तो कैसे दिखती है, और गिम्बल से करते तो एकदम स्टेबिलिटी आती है वीडियो शूटिंग में। इस तरह इसका फंक्शन है, बहुत पोर्टेबल है, आपको अगर ये होना है तो नीचे मैं लिंक दूंगा, इस लिंक से आप खरीदी कर सकते हो। तो ठीक है, मैं आप इसमें शूट करके आपको दिखाता हूँ, थैंक यू। दोस्तों अब देखो मैंने ये सेल्फी, ये जो है गिम्बल के अंदर कैमरा रखा है, और अच्छी आ रही है, आप देख रहे एकदम, और सेल्फी स्टिक में ऐसा नहीं आएगा। और गिम्बल की सबसे अच्छी खासियत है, देखो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं हो रहा है, मैं फास्ट इस तरह से इस गिम्बल का यूज़ कर सकते हो, बहुत पोर्टेबल है और अच्छा भी है। तो आप देख सकते हैं, देखो मैं कितना स्पीड से चल रहा हूँ, फिर भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखो सब तरफ से दिखाई दे रहा है।